हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो आइए आज के प्लॉट की बात कर लेते हैं। आज का प्लॉट 24x49 फिट का है और दोस्तों अगर इसकी स्क्वायर फिट में बात करें तो ये 1176 स्क्वायर फिट का एरिया है और 130 गज का ये प्लॉट है। अगर आप इसका 2D लेआउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ये वीडियो है हम आपके रिक्वायरमेंट पर ही लेकर आते हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ अभी हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप एंट्री पर देख सकते हैं आपको अच्छी खासी पार्किंग देखने को मिल जाती है और आप इस पार्किंग में एक अपनी बड़ी कार आराम से खड़ी कर सकते हैं और आपको फ्रंट में एक ऑफसेट देखने को मिल जाएगा और आप उस जगह को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों हाउस में एंट्रेंस लेते ही आपको सामने लॉबी का एरिया देखने को मिल जाएगा। लॉबी में आप अपना एक डाइनिंग टेबल आराम से एडजस्ट कर सकते हैं और जो स्टेयर का एरिया है, स्टेयर भी आपको लॉबी से देखने को मिलेगी जो आपकी सेकंड फ्लोर तक आपको कॉन्टिन्यूस देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आपको सामने हमारे हाउस का ड्राइंग रूम देखने को मिल जाएगा। हमने इसमें डोर ना देकर हमने इसके अंदर ओपनिंग रखी है जो कि आपको देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी और आप इसका बाकी अरेंजमेंट देख सकते हैं। और दोस्तों आपको इसी ड्राइंग रूम के साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के किचन एरिया की तरफ। आपको एंट्रेंस डोर पे MDF का एक डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा और दोस्तों जो हमारे हाउस की किचन है ये आपको ड्यूल टोन में देखने को मिल जाएगी। अगर हम इससे आगे बढ़ें तो आपको हाउस का वॉशिंग एरिया भी देखने को मिल जाएगा और जो ये वॉशिंग एरिया है आपको इसके बैक साइड में आपको एक OTS देखने को मिल जाता है जिससे आपके रूम और आपके किचन की वेंटिलेशन होती रहेगी। इसी के साथ अभी हम एंट्रेंस लेते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आप इसके बैक वॉल का डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको वॉलपेपर के साथ MDF का भी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है और आपको इसी रूम के साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिलेगा।
आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ। ऊपर एंट्रेंस लेते ही आपको एक फैमिली लाउंज, तो हम इसको नहीं बोल सकते, लेकिन आपको अच्छा एक सिटिंग स्पेस देखने को मिल जाता है। चलते हैं हमारे हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ। आपको इसके बैक वॉल डिजाइन पर आपको एलईडी की स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगी और आपको अच्छी वार्डरोब भी देखने को मिल जाती हैं। और दोस्तों, जो ये वाला रूम है, आपको इसी के साथ एक बड़ा टॉयलेट आपको अटैच देखने को मिल जाएगा। और ये टॉयलेट है, ये आपको हमारे थर्ड बेडरूम के साथ भी अटैच देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये टॉयलेट है हमने इसको काफी स्पेशियस रखा है। अभी हम चलते हैं हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ और इसमें एंट्रेंस लेते ही आप सामने देख सकते हैं, आपको ब्रिक डिजाइन देखने को मिल जाएगा। और इसी रूम में आपको अच्छे वार्डरोब के साथ एक टीवी यूनिट भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इसके बाद अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के फोर्थ बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं इसमें आपको अच्छी वेंटिलेशन देखने को मिल जाती है, सामने एक टीवी यूनिट देखने को मिल जाता है और आपको एक अच्छी वार्डरोब भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, जो ये वाला रूम है, आपको इसके साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिलेगा, जो कि आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के सेकंड फ्लोर की तरफ। और सेकंड फ्लोर पर अभी हम एंट्रेंस लेने से पहले हम आपको ऊपर दिखा दें कि जो ये हमारा मुमटी वाला एरिया है, आप इसको एज ए स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। हाँ, तो दोस्तों, इसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हुए हम आपको आगे दिखाते हैं, आपको ऊपर टेरेस पे अच्छा गार्डन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आप इसके फ्रंट में आगे देखेंगे कि आपको अच्छा एक सिटिंग स्पेस भी देखने को मिल जाता है। हाँ, तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट हम आपको इसी चैनल पर देते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, अभी हम आपको मिलेंगे अगली एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। तो इसी के साथ आप हमें अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।